श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। अघोर हवन कैसे करते हैं, आज ये छोटा सा वीडियो उसी पर है। ये जो आप अभी स्क्रीन पे हवन देख रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव आदेशनाथ जी के साथ हम कर रहे थे गोवा में, समुन्द्र के तट पे ये हवन हो रहा था। अभी आप इस हवन को देखिएगा तो हवन में आहुतियाँ पड़ रही हैं। आप इसके अग्नि को ध्यान से देखिएगा तो अलग अलग आपको आकृतियाँ दिखाई देंगी। ये आकृतियाँ बताती हैं कि उस समय किस शक्ति का आह्वान हुआ था। ठीक है, तो हवन कैसे करें, देखिए अघोर में हवन का नियम नहीं होता, मतलब अघोर में किसी भी चीज़ का नियम नहीं होता है, लेकिन हवन का जिस तरीके से लोग पंडित करते हैं वैसे हम लोग नहीं करते। अगर आपको एकदम बेसिक जानना है कि अघोर में हवन कैसे होता है, तो अगर भगवती का हवन कर रहे हैं तो त्रिकोण में बनाएंगे हम लोग अपना हवन कुंड। ठीक है, और दक्षिण की तरफ उसका मुख रहेगा, हम लोग मतलब दक्षिण खाली छोड़ते हैं दक्षिण की तरफ, और साउथ है उधर तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ में तिरछा पहला लकड़ी रखाता है, और उसके बाद ये फिर साउथ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ दूसरा, फिर वेस्ट टू ईस्ट तीसरा लकड़ी लगाएगा। ऐसे करके 9 या 13, 9 या 12 लकड़ी पे आप कर सकते हैं, 9 ही पे जनरली किया जाता है। अंदर में रिम लिख सकते हैं अगर भगवती का हवन कर रहे हैं तो, भैरव, या अगर शून्य का आप हवन कर रहे हैं तो आपका गोल होना चाहिए हवन कुंड, और उसमें आप शून्य लिख सकते हैं। हवन जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुरु को आहुति देते हैं, गुरु के बाद अपने दादा गुरु को आहुति देते हैं, और जितने गुरुओं में आपको जितना याद है नाम उतनों को आहुति आप देंगे। नाथपंथ में कानिफनाथ पंथी है तो कानिफनाथ जी को आहुति देंगे, दत्तात्रेय भगवान को आहुति देंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे गुरु मंत्र से, तो सबसे पहली आहुति जो पड़ेगी वो गुरु मंत्र की पड़ती है। भैरव जी को आहुति देंगे और फिर भगवती को आहुति देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद, आहुति देने के बाद, जैसे आप भैरव को आपने आहुति दी तो फिर उनको कारण चढ़ाइए, उनको जो बलि देना है बकरे का कलेजा देना है तो वो दे दीजिए, और आपने जब काली को, जब आपने काली की पूजा की तो काली को जो आपको कारण देना है वो चढ़ाइए। जितनी बार आप कारण चढ़ाते हैं उतनी बार आपको कारण लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हवन का अंत होगा तभी हम कारण लेंगे। जैसे जैसे आपका हवन चलता जाए, जैसे जैसे हवन ख़त्म हो आप ये आहुति देते हैं। ठीक है, इस आहुति देने में एक और चीज़ है, आगे चलकर जब आप बहुत हवन करने लगेंगे तो आपके कान में आके ऐसे निर्देश आता है कि अब इसको आहुति दो उसको आहुति दो। ठीक है, आहुति की सामग्री क्या होगी, अगर भैरव और काली की हवन आप करते हैं तो तिल का, काला तिल, लौंग और गूगल को मिला करके उसकी आहुति दीजिए। सिर्फ भैरव की आहुति देने को की हवन कर रहे हैं तो जो सूखा नारियल होता है उसमें मधु, घी और दारू बराबर भरेंगे, और उसके बाद एक एक पूरा लेकर के एक बार एक मंत्र के साथ हवन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भैरव को 5 अनाज का रोटी उसमें गुड़ डालकर अंत में दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा हवन। इसके अलावा कोई भी बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं है, आप अगर सजाना चाहे संवारना चाहे ठीक है, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो हवन शुरू करने से पहले एक घेरा, सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बिना नादी वाले भी होंगे या फिर जिनके पास गुरु मंत्र ना हो, या फिर अगर आपके पास सिद्ध चाकू है तो सिद्ध चाकू से एक लाइन बना दे। इससे क्या होता है कि कोई भी बुरी आत्मा आपके यहाँ मतलब आपके हवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी और उसको खंडित नहीं कर सकेगी। देखिए यहाँ पे अभी भैरव हवन चल रहा है, कारण चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर पैरानॉर्मल रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप मेरी किताब खरीदें, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको रुद्रनाथ जी सर्च करना होगा, रुद्रनाथ आप सर्च करेंगे आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा और आप उससे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ये सर्विस, ये कंसल्टेंसी फ्री नहीं होती है, इसके आपको पैसे लगेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9431188585। आज के लिए आप सभी को अलग आदेश।